नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पामिन के सवाल थी, क्या इनका कुछ कवर हो पाएगा नहीं हो पाएगा, ओवरसीज बिजनेस कैसा रहेगा, पार्टनरशिप कैसी रहेगी, बच्चों का फ्यूचर कैसा रहेगा। मुझे आपके हाथ में जो कुछ दिख रहा है मैं आपको सब कुछ बताने की कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों, आपके पान का एनालिसिस शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर आपके हाथ में देखें तो आपके हाथ की भाग्य रेखा ठीक है, बढ़िया है, मजबूत है, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं दिख रही है। सबसे पहला, अगर आपके हाथ में आपकी मनी करियर और धन की रेखा देखें तो आप पाएंगे कि एक छोर से ही यहाँ पर पैसे की रेखा, भाग्य रेखा और ये बुध रेखा निकल रही है, और थोड़ी दूर से यहाँ से सूर्य रेखा इस प्रकार आ रही है। देखिए, ये कॉम्बिनेशन हाथ में बहुत ही मजबूत होता है, बहुत ही बढ़िया होता है। ये मैं कम ही हाथों में देखता हूँ। इसका मतलब साफ साफ ये भी दिखा सकता है कि ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में अपना भाग्योदय बहुत तेज, बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया करने वाले होते हैं। इसका मतलब आप ये भी समझ सकते हैं कि देखिए, ये व्यक्ति को बहुत ज़्यादा पैसा, अच्छा खासा लाभ देने वाली रहती है। ये व्यक्ति को बड़े बड़े बिजनेस करवाती है और ये रेखा व्यक्ति को पॉलिटिक्स और सरकारी नौकरी में बड़े अच्छे खासे लाभ देती है। तो और पूछा कि आप बिजनेस करें या फिर आप सरकारी नौकरी में आपका भाग्योदय होने वाला रहेगा। देखिए, दोनों ही रेखाएँ, दोनों ही मजबूत हैं, तो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स के साथ साथ बिजनेस भी आप कर सकते हैं, आपको दोनों चीज़ चलेंगी। आपका मन एक चीज़ का करने करें, आप एक चीज़ कीजिए, आपके हाथ में मैं दोनों ही चीज़ बढ़िया और बहुत अच्छी अवस्था में देख पा रहा हूँ। तो मुझे कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी रूप में कैसी भी नहीं दिख रही है। तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छे खासे लाभ आपको हाथ की रेखाओं में दिख रहे हैं। और क्या आपने पूछा था कि क्या आपके हाथ में अपना घर होने का योग बनेगा? देखिए, आपके हाथ में यहाँ पर एक मनी ट्रायंगल है, बुध की रेखा मजबूत है, सूर्य की रेखा बहुत बढ़िया है और यहाँ पर आपके हाथ में आपकी भाग्य रेखा भी बहुत बढ़िया है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो मंगल रेखा भी निकल रही है। तो मान सकते हैं हाथ में अच्छी खासी रेखा शुभ है, रेखाओं में बहुत बड़े बड़े बदलाव नहीं है, रेखा बहुत मजबूत अवस्था में मुझे दिख रही है। इसका मतलब आप साफ साफ ये समझ सकते हैं कि अपना घर जरूर से जरूर होने के योग बन रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी जीवन आपकी इच्छा पूर्ति के योग बनेंगे और अपना घर होने के कभी भी योग बन सकते हैं। आपके हाथ में रेखा बहुत ज़्यादा अच्छी अवस्था में और शुभ मुझे दिख रही है, तो उसमें कोई दिक्कत एवं परेशानी वाली बात मुझे किसी भी रूप में कैसी भी नहीं दिख रही है। यहाँ पर अगर आएंगे तो यहाँ पर आपके हाथ में शुक्र सीधी खड़ी रेखा साफ साफ मौजूद है। देखिए, इसके क्षेत्र पर जब ये रेखा होने लगे तो ऐसे व्यक्ति जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको अपने द्वारा किए गए इन्वेस्टमेंट से अच्छे खासे लाभ देखने को मिलेंगे। ऐसे व्यक्ति जब जब जहाँ जहाँ और जैसे भी इन्वेस्टमेंट करते हैं आपको उससे फ़ायदा ही होने वाला रहेगा। इस तरह के भी योग आपके हाथ में मैं यहाँ पर आपके शुक्र के हिस्से पर देख पा रहा हूँ। मंगल रेखा है तो प्रॉपर्टी डीलिंग से लाभ रहेगा, प्रॉपर्टी में कार्य कर सकते हैं, प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई भी कार्य कभी भी कैसे भी करेंगे आपको उससे बहुत बढ़िया लाभ देखने को मिलेंगे। इस तरीके के भी योग आपके हाथ में मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। बाकी अगर आएंगे तो देखिए, आपके हाथ में सूर्य पर सूर्य रेखा है, लास्ट में फैल रही है इस प्रकार से। देखिए, जब ऊपर आते आते सूर्य रेखा टुकड़ों में बंटने लगे तो ये व्यक्ति को बांध सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा बड़े लाभ पॉलिटिक्स में देने वाली रहती है। इससे आप ये भी समझ सकते हैं कि आपको बुढ़ापे के अंदर अपने द्वारा किए गए कार्यों से सेटिस्फेक्शन, हैप्पीनेस, सक्सेस मिलने वाली रहेगी। बाकी यदि आपके हाथ में आपकी हृदय रेखा देखें तो आपकी हृदय रेखा मुझे ठीक ठाक दिख रही है। ये रेखा माँ बाप की सेवा करने वाले के हाथ में होती है। व्यक्ति को बड़ा गर्व होता है कि मेरे माताजी, मेरे पिताजी हैं। व्यक्ति पूर्ण तरीके से अपने माता पिता की सेवा करता है। ओवरऑल यहाँ पर आप देखेंगे सेकंड प्लेन पर यहाँ पर भी नीचे की ओर रेखा आ रही है। ये व्यक्ति को फ्लर्टी नेचर और मनोरंजक किस्म का मिजाज देने वाला होता है। ये आपके हाथ की हृदय रेखा है। हृदय रेखा आपके हाथ में मुझे ठीक ठाक दिख रही है। ओवरऑल हृदय रेखा यहाँ पर डार्क है। देखिए, ये हिस्सा जो है ये हिस्सा डार्क है। देखिए, हृदय रेखा जिस प्रकार की है ये आपके हाथ में अच्छी नहीं है। ये रेखा आपको समस्या देने वाली रहेगी और रहेगी। इससे आप यह भी जान सकते हैं कि ये हृदय रेखा आपके परेशानी पैदा कर सकती है स्वास्थ्य के लिए। अगर आप किसी को बड़ा पैसा देंगे उसके लौट कर ना आने के संकेत ये बढ़ाती है और व्यक्ति को अपने जीवन में पारिवारिक समस्या या फिर किसी भी रूप में कैसी भी समस्या आने वाली होती है। तो इस रेखा की वजह से आपके जीवन, आपको परेशानी होगी। इसकी रेमेडीज भी आपको दी जाएंगी। इसके रेमेडीज करने पर आपको लाभ मिल जाएगा। रेमेडीज करने पर आपको जीवन में अच्छा खासा लाभ देखने को मिलेगा, ज़रूर से ज़रूर मिलेगा। तो इस तरीके के योग भी आपके हाथ में यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ। बाकी अगर हृदय रेखा के आपको उपाय करने ही करने रहेंगे, हृदय रेखा के उपाय आप जरूर से जरूर कीजिएगा। हम आपको दे देंगे उपाय, वीडियो देखने के बाद तुरंत ही वो आपको उपाय करने रहेंगे। अगर यहाँ पर आएंगे, ये आपके हाथ की मस्तिष्क रेखा है। मस्तिष्क रेखा आपके ठीक है, सीधी है, मजबूत है, हल्की सी झुक रही है। देखिए, मस्तिष्क की रेखा है ये आपके जीवन में आपकी बुद्धि, आपका ज्ञान और आपके विवेक को दर्शाती है। मस्तिष्क से निकली रेखा है तो कहीं ना कहीं बुद्धिमत्ता आपकी जीवन में अच्छी रहेगी। आपके जीवन में आपकी बौद्धिक क्षमता अच्छी रहेगी
और आप अपने जीवन में अपनी दिमाग का इस्तेमाल करके बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान निकाल लेंगे। तो ओवरऑल हृदय रेखा मुझे तो ओवरऑल आपके हाथ में मस्तिष्क का मुझे कोई भी दिक्कत नहीं दिख रही है। कैसे भी मस्तिष्क आप मुझे आपके हाथ में ठीक ठाक दिख रही है। इस बात से हम ये भी समझ सकते हैं कि आप अपने जीवन में आपका लॉजिक सेंस बड़ा अच्छा रहेगा और कहीं ना कहीं हर बात को लॉजिक के साथ ढूंढना और एक तर्क वितर्क शक्ति मजबूत होना, इस तरीके के योग भी ये रेखा दिखाने वाली होती है। आपके हाथ में सब कुछ ठीक है, देखिए फाइनेंशियल वाइज कोई दिक्कत नहीं है। मुझे जो आपके हाथ में सबसे बड़ी समस्या दिख रही है, एक तो आपने मुझे अपनी एज नहीं पता है, मैंने आपसे कहा भी था मुझे एज बता दीजिए, कोई नहीं। लेकिन देखिए आपके हाथ में जो मुझे सबसे बड़ी समस्या दिख रही है वो समस्या दिख रही है केवल और केवल आपकी जीवन रेखा पर। ये आपकी जीवन रेखा है, यहाँ पर आकर रुक गई है। एक तो हाथ में छोटी जीवन रेखा है, ऊपर से यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर ये जीवन रेखा टूट कर आगे बढ़ी है। तो देखिए सबसे बड़ी समस्या जीवन रेखा पर ही है, इसके अलावा मुझे आपके कोई समस्या नहीं। आपके जो सवाल थे, बिजनेस बढ़िया बन जाएगा, ओवरसीज भी आप तरक्की कर लेंगे और घर भी बन जाएगा। लेकिन देखिए पामिस्ट्री से आपके सवालों से अलग हटकर जो मुझे दिख रहा है वो दिख रहा है कि आपके स्वास्थ्य की बड़ी समस्या रहेगी रहेगी और बड़ी आप समस्या आ सकती है। वो क्यों और कैसे आएगी, देखिए जीवन रेखा की सबसे महत्वपूर्ण रेखा होती है। जीवन रेखा का लंबा और मजबूत होना सबसे जरूरी होता है। अगर ये रेखा ही छोटी हो, आप देखें आपकी हृदय रेखा खूब बढ़िया है, अच्छी है, मस्तिष्क का बढ़िया है, भाग्य रेखा तो सबसे बढ़िया है आपके हाथ में, लेकिन जीवन रेखा यहाँ से टूट गई, यहाँ पर गैप आ गया, फिर हल्की सी यहाँ पर दिख रही है, तो ये जीवन रेखा आपके हाथ में है टूट कर फिर एक बार गैप। तो कहीं ना कहीं देखिए मैं डायरेक्ट तो नहीं कहूँगा बट आप समझ जाइए कि जीवन रेखा का टूटना अच्छा नहीं होता। इसके लिए आपको एक मंत्र दिया जाएगा, वो भोलेनाथ का मंत्र होता है, महादेव का मंत्र होता है। उस मंत्र का जाप करके आपको जीवन में अच्छे खासे लाभ देखने को मिलने वाले रहेंगे। तो जरूर से उस मंत्र का जाप को करना ही करना रहेगा। और देखिए ऐसा नहीं होगा कि हम आपने हमसे मंत्र सुना, एक दो महीने किया, बाद में छोड़ दिया, नहीं, आपको बिल्कुल भी असर नहीं रहेगा। वो मंत्र का जाप आपको हमेशा और हमेशा ही करना रहेगा, हमेशा के लिए। आपसे 20 साल बाद ही पूछूं कि क्या आप उस मंत्र का जाप करें, तो वो हाँ ही बोलना रहेगा। भोलेनाथ का मंत्र होता है, शिवलिंग के सामने रखकर उस मंत्र का जाप किया जाए तो भाग्योदय बहुत बढ़िया, बहुत जल्दी, बहुत मजबूत होने वाला होता है। इस तरीके के योग में आपके हाथ की यहाँ पर रेखाओं में देख पा रहा हूँ। बाकी अगर आपके हाथ में बाकी देखें तो यहाँ पर धनुषाकार रेखा बन रही है, ये रेखा आपको समझदार बनाती है। आप अपने जीवन में जब भी कोई निर्णय लेंगे समझदारी से, आपको उससे लाभ ही देखने को मिलेगा। इस तरीके की बढ़िया योग यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं। ये आपके हाथ का बुध पर्वत है, यहाँ पर 2 से 4 सीधी खड़ी रेखा साफ साफ बनती हुई समझ आ रही है। देखिए बुध पर जब ये रेखा होने लगे तो इस आप समझ जाइए कि ये बुध यानी व्यापार बिजनेस को दिखाती है रेखा। अगर आपके हाथ में इस प्रकार की रेखा है तो आप ये भी समझ सकते हैं कि आपके जीवन में आपको व्यापार से बहुत बड़े लाभ देखने को मिलेंगे। व्यापारिक क्षमता आपकी बहुत बढ़िया, बहुत मजबूत और बहुत अच्छी खासी मैं देख पा रहा हूँ। आप अपने जीवन में अगर ऐसे जॉब करते हैं तो अपना टाइम वेस्ट करते हैं, व्यापार ही आपके लिए बढ़िया है, व्यापार से आपको अच्छे खासे लाभ देखने को मिलेंगे। इस तरह के ठीक ठीक एवं बढ़िया योग आपके हाथ में बन रहे हैं। बाकी गुरु पर आएँ तो ये आपके हाथ का गुरु का क्षेत्र है, गुरु पर भी सीधी खड़ी रेखा है, ये रेखा आपको महत्वाकांक्षी बनाएगी। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं, किसी भी, मैं हद से बात कर रहा हूँ मेहनत के बारे में, ये कितनी बड़ी मेहनत कर लेते हैं ऐसे व्यक्ति अपनी इच्छा पूर्ति के लिए बड़ी मेहनत करना की जानता है। और ये रेखा अगर आपके हाथ में है तो ये रेखा आपको ज्ञानवान बनाएगी। ज्ञानवान व्यक्ति होता है, हर चीज़ का ज्ञान होता है और एक समाज में एक समझदार और ज्ञानी पुरुष के रूप में आप पहचाने जाएंगे। और ये रेखा समाज में आपका नाम खराब भी नहीं होने देगी। इस रेखा से आप ये मान सकते हैं कि जब जब आपका बुरा समय आएगा, संघर्ष का समय आएगा, तो आपके पड़ोसियों तक को पता नहीं चलेगा कि बुरा समय कब आया, कब चला गया। यानी व्यक्ति में संघर्ष का समय नहीं आता है तो व्यक्ति तक ही सीमित रहता है, आस पड़ोस में नाम खराब होने वाले संकेत नहीं बनते। तो इस तरह के भी आपके हाथ में ये रेखा योग बना रही है, तो इस तरह के परिणाम ये रेखा देने वाली होती है। यहाँ पर आपके फैलेंजेस भी खुले हुए हैं, देखिए फैलेंजेस खुलना अच्छा नहीं होता। अगर आपके हाथ में ये कॉम्बिनेशन बन रहा है तो कहीं ना कहीं खर्चीला स्वभाव होता है, मैं हर हाथ में देखता हूँ 90% हाथों में ये रेखा होती है। तो फैलेंजेस खुले होने व्यक्ति को खर्चा ज़्यादा करवा देते हैं, पैसा जोड़ने में दिक्कत आना या फिर जितना सोचा है उतना पैसा ना जोड़ पाना, ये समस्या रहती ही रहती है। इस तरीके के योग भी आपके हाथ में यहाँ पर बन रहे हैं। तो मैंने आपके पाम का एनालिसिस पूरा कर दिया है, आपके पाम की हाइलाइट यही थी कि आपके हाथ में सब कुछ सही है, जो मुझे जो दिक्कत दिख रही है वो केवल यहाँ पर और छोटी जीवन रेखा की वजह से दिख रही है। देखिए मैं आप भी मत सोचना कि मैं ये कहूँ कि आपका जीवन छोटा रहेगा, बट हाँ स्वास्थ्य की समस्या जरूर रहेगी, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ। तो इसके लिए आपको जो उपाय दिए जाएंगे, जो मंत्र दिया जाएगा, वो आप करते रहेंगे, आपको कोई समस्या भी नहीं आएगी। बाकी वीडियो देखने के बाद कोई भी डाउट कोई क्वेरी रह जाए हमसे पूछ लीजिएगा, आपके सारे डाउट सारी क्वेरी सॉल्व कर देंगे हम, आपको एट देंट सेटिस्फाई करके भेजेंगे। जो भी आपका रिव्यू रहेगा वो छोड़ दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, आप हमारे एनालिस्ट सेटिस्फाई नहीं है, जो भी आपका रिव्यू रहेगा मैं सब बता दीजिएगा।
उपाय के बारे में लिखना ना भूलिएगा, हम पूरे दिन व्यस्त रहते, समय नहीं मिल पाता, तो हमें उपाय के बारे में लिख दीजिए कि आप हमें उपाय दे दीजिए किस किस के, और जीवन रेखा के और हृदय रेखा के उपाय दे दीजिए, हमको सारे उपाय डिटेल में दे देंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको सारे सौलभ्य मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।